जम्मू कश्मीर के सोपोर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पुलिस के दो जवान शहीद हो गए हैं, दो कश्मीरियों की मौत हो गई है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और कॉम्बिंग जारी है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सन्नाटे के बीच ये जो सुरक्षा एजेंसियां उनकी गाड़ियां आपको नज़र आ रही हैं, ये इस बात की तस्दीक है कि इलाके में उन लोगों की ढूंढ जारी है जिन्होंने इस आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है। और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट, उसके तहत आप देख रहे हैं कार्रवाई उन लोगों पर जो आतंकी हैं और आतंकियों के समर्थकों पर, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आतंकियों की तरफ से भी अपना वजूद, अपना अस्तित्व दिखाने की कोशिशों के तहत ये हमले। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोपोर में जब आतंकवादी हमला बोला गया उसके बाद इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। बाईं तरफ कॉम्बिंग ऑपरेशन की ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इस हमले में पुलिस के दो जवान शहीद हो गए हैं। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता इस बारे में आपको और ज़्यादा ब्यौरा दे रहे हैं। इरफान, कितने बजे कैसे हुआ ये, अभी क्या स्थिति है? आधा घंटा पहले मिलिटेंट्स द्वारा जो है आरमपोरा मेन टाउन सोपोर में एक हमला करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ी पर, और जिस हमले में करीबन 7 से 8 लोग जख्मी हो जाते हैं जिसमें कुछ सिविलियन भी। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर फिलहाल दो जो जवान हैं उनकी हलाकत हो गई और दो सिविलियन भी इस हमले में मारे गए हैं। ये सोपोर में पिछले कुछ दिनों में दूसरा हमला है, आपको याद होगा इससे पहले काउंसलर्स की मीटिंग पर हमला किया गया था जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान भी अपनी जान गंवा बैठे थे। इस पूरे हमले के बाद इस पूरे इलाके को फिलहाल सुरक्षा बलों ने कॉर्नर में लिया है, क्योंकि जिस तरह का ये हमला है ऐसा लगता है कि मिलिटेंट्स पहले ही फिराक में थे और ये हमला पूरा प्लानिंग के साथ किया गया है। और सोपोर एक बड़ा हसास इलाका माना जाता है और उस वजह से वहाँ पर मामूल तौर पर भी सुरक्षा जो होती है वो बहुत कड़ी होती है, और आज ये जो हमला है फिलहाल वहाँ पर सुरक्षा बलों पर मिलिटेंट द्वारा किया गया। हालांकि इस हमले की अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली और 4 लोगों की इसमें हलाकत हुई है और करीबन 5 से 6 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल ये डेवलपिंग स्टोरी है और पूरे इलाके में कॉर्डन रखा गया है ताकि जो हमलावर है उन्हें जो है दबोचा जाए। निगाह इस पर बनाए रखिए, हम आपके पास आगे भी अपडेट के लिए पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और सोपोर हमले पर आईजी कश्मीर का बयान, कहा हमले के पीछे लश्कर का हाथ। सोपोर आतंकी हमले में दो जवान हुए हैं शहीद। आतंकी हमले में 3 कश्मीरियों की मौत। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।